एएसआई विवाद में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। आगरा किले के दीवाने आम में हुए प्रोजेक्शन मैपिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम के म्यूजिक से दीवाने आम को नुकसान पहुंचा है। दीवाने आम में 2 से 6 mm की दरार आ गई है। एएसआई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नुकसान का पता लगाया जा रहा है, वहां पर लोगों की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग लगा दी गई है। आपको बताते चले कि आगरा जिला में G20 के विदेशी मेहमानों के लिए प्रोजेक्शन मैपिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एएसआई ने यूनेस्को की ओर से निर्धारित साउंड लेवल में कार्यक्रम की अनुमति दी थी, लेकिन मानकों का ध्यान न रखकर 40 डेसिबल से अधिक पर साउंड बजाया गया, जिसे दीवाने आम की दीवार और छत में दरार आ गई। आगरा किले के दीवाने आम में दरारें आने के साथ साथ म्यूजिक की धमक से चूने का प्लास्टर भी झड़ गया है। सोमवार को जब एएसआई अधिकारियों को इसकी जानकारी हुई तो खलबली मच गई है। एएसआई की ओर से अब प्रोजेक्शन मैपिंग शो और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दीवाने आम में हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए पहुंच गए। इतना ही नहीं, पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर दीवाने आम में क्षतिग्रस्त हिस्से में बैरिकेडिंग कर दी गई है। आगरा में 11 और 12 फरवरी को G20 शिखर सम्मेलन की महिला सशक्तिकरण पर बैठक हुई थी, जिसमें G20 के 13 देशों के 135 प्रतिनिधि आए थे। विदेशी मेहमान के लिए 11 फरवरी की शाम आगरा किले के दीवाने आम में महिला बाल विकास एवं संस्कृति मंत्रालय ने प्रोजेक्शन मैपिंग व सांस्कृतिक प्रस्तुति का आयोजन किया था। ये शो करीब 35 मिनट तक चला था। इसमें दीवाने आम में पर्दे लगाकर लेजर लाइट डाली गई थी, जिससे साउंड एंड लाइट शो की तरह प्रस्तुति में लाइटों व साउंड का इस्तेमाल हुआ था। साउंड के लिए दीवाने आम और किले में जगह जगह स्पीकर लगाए गए थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री व आगरा सांसद प्रोफेसर SP सिंह बघेल, UP सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के साथ ही G20 देशों के मेहमान मौजूद थे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट।